हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम रीड करने वाले हैं क्लास फोर्थ एनसीईआरटी इंग्लिश बुक से एक पोयम, जिसका नाम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। ओके, सो वॉच केयरफुली। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। डोंट, DON apostrophe T, डोंट, डोंट डू नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक है? डोंट मीन्स होता है नहीं, BEB, बी मीन्स होता है होना, AFRAID, अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स होता है डरना या भयभीत होना, ठीक है? ऑफ द डार्क, डार्क मीन्स होता है अंधेरा, ठीक है? डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, दैट मीन्स अंधेरे से भयभीत मत हो या अंधेरे से डरो मत, ठीक है? सो नाउ वी स्टार्ट द पोयम। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, ठीक है? डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, ऑफ द डार्क, अंधेरे से, अंधेरे से डरो मत। लिटिल वन, लिटल वंस मीन्स छोटे बच्चों, दैट मीन्स पोइट कहता है छोटे बच्चों अंधेरे से मत डरो। नेक्स्ट, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन। द अर्थ, अर्थ मीन्स धरती, पृथ्वी, ओके, रेस्ट, रेस्ट मीन्स होता है आराम करना। वेन, जब, डे मीन्स दिन, डन, डन मीन्स होता है पूरा हो जाना, कंप्लीट हो जाना, ठीक है? द अर्थ मस्ट रेस्ट, धरती को आराम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, ठीक है? वेन, जब, द डे इज डन, जब दिन पूरा हो जाता है, ठीक है? धरती को आराम करना चाहिए जब दिन पूरा हो जाता है, मीन्स जब अंधेरा हो जाता है तब दिन भर की थकी हारी धरती आराम करती है, ठीक है? द सन मस्ट बी हार्स बट मूनलाइट नेवर। द सन, सन मीन्स सूरज, हार्स, हार्स मीन्स होता है निर्दयी या अनकाइंड, ठीक है? बट, बट मीन्स लेकिन या परंतु, मूनलाइट, मूनलाइट मीन्स चंद्रमा की रोशनी, ठीक है? नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। द सन मस्ट बी हार्स, सूरज निर्दयी या अनकाइंड हो सकता है, बट मूनलाइट नेवर, लेकिन चंद्रमा की रोशनी कभी नहीं हो सकती है, ठीक है? मीन्स धूप हमें परेशान कर सकता है, लेकिन चंद्रमा की रोशनी हमें कभी नहीं परेशान करती है, हमें चंद्रमा की रोशनी में आराम मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट, एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर। एंड और दोज, दोज मीन्स वे, स्टार्स, स्टार्स मीन्स तारे, शाइनिंग, साइन, शाइनिंग साइन की जेरंड फॉर्म है, ठीक है? साइन मीन्स होता है चमकना, फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए, ओके? मीन्स और वे तारे हमेशा चमक रहे होंगे, ठीक है? एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और वे तारे हमेशा चमक रहे होंगे, ठीक है? नेक्स्ट, जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। लेट, लेट मीन्स होता है जाने देना, थॉट्स मीन्स विचार, आइडिया, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, फार मीन्स दूर, नियर मीन्स नज़दीक, ठीक है? मीन्स अपने विचार, अपने आइडिया को अपने दोस्तों तक जाने दो, वे जहाँ भी हों, चाहे वे
दूर हो या पास हो, वे जहाँ भी हों उन तक अपने विचार, अपने आइडिया को जाने दो। ठीक है, मीन्स अपने दोस्तों के बारे में सोचो, उन्हें याद करो। ठीक है, नेक्स्ट, बाय डे, दिन में, इट डज सीम, यहाँ प्रतीत होता है, सीम मीन्स प्रतीत होना या लगना, दैट कि आवर ट्रबल्स, आवर मीन्स हमारी, ट्रबल्स, ट्रबल्स मीन्स परेशानियाँ, वॉन्ट सीज, सीज मीन्स होता है रुकना या समाप्त होना। ठीक है, बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वॉन्ट सीज, मीन्स दिन के समय हमारी परेशानियाँ खत्म नहीं होंगी। ठीक है, पोइट कहता है, दिन में हर व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है और जीवन में आई समस्याओं का सामना करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ठीक है, इसलिए दिन के समय हमारी परेशानियाँ खत्म नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बट एट नाइट, लेकिन रात में, लेट एट नाइट, देर रात में, लेट मीन्स होता है देर। ठीक है, द वर्ल्ड इज एट पीस, दैट मीन्स संसार शांत हो जाता है, पीस मीन्स होता है शांत, शांति। ठीक है, लेकिन रात को, देर रात को संसार शांत हो जाता है, मीन्स रात में पूरी दुनिया सो जाती है। ठीक है बच्चों, पोइट कहता है, दिन में हर व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है लेकिन रात में हर कोई सो जाता है और आराम करता है और चारों तरफ शांत वातावरण हो जाता है। बच्चों, यह पोयम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सो वॉच केयरफुली, सबसे पहले न्यू वर्ड्स को करेंगे। न्यू वर्ड्स, अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरना, डार्क मीन्स अंधेरा, रेस्ट मीन्स आराम करना, हार्स, हार्स मीन्स निर्दयी, फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स हमेशा, ट्रबल्स, ट्रबल्स मीन्स परेशानियाँ, सीज, सीज मीन्स रुकना, समाप्त होना। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो वॉच केयरफुली, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, व्हाट इज द पोयम अबाउट, पोयम किसके बारे में है। ठीक है, सो आंसर इज, द पोयम इज अबाउट हाउ टू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ द डार्कनेस, दैट मीन्स हमें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, ऐसा पोयम में बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज ओवर, मीन्स क्या होता है जब दिन पूरा हो जाता है। ठीक है, आंसर इज, नाइट कम्स व्हेन द डे इज ओवर। ठीक है, दिन पूरा होने के बाद रात आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर, धरती क्या करती है जब दिन पूरा हो जाता है। आंसर इज, द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर, द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर, जब दिन पूरा हो जाता है तब धरती आराम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डज द पोइट वांट अस टू डू एट नाइट। ठीक है, पोइट हमें रात में क्या करने के लिए कहता है। ठीक है, या पोइट क्या चाहता है कि हम रात में करें। सो आंसर इज, द पोइट वांट्स अस टू थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स एट नाइट। पोइट चाहता है कि हम रात में अपने दोस्तों के बारे में सोचें या उनको याद करें। ठीक है, सो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है।
अब नेक्स्ट हम ट्रू फॉल्स करेंगे. सो वॉच केयरफुली. आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स? क्या ये सेंटेंसेस सही या गलत हैं? ठीक है, जो सही हैं उनके आगे ट्रू लगा, ट्रू ट्रू राइट करना है, एंड जो सेंटेंस फॉल्स हैं, गलत हैं, ठीक है, उनके आगे जो ब्लैंक गिवन है उसमें फॉल्स राइट करना है. ठीक है, सो सेंटेंस नंबर ए, द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क. पोइट बताता है कि जब अंधेरा होता है तब बच्चे को डरना चाहिए या बच्चा डर जाता है. ठीक है, तो यह सेंटेंस फॉल्स है, राइट. पोइट कहता है कि अंधेरे से नहीं डरना चाहिए. ठीक है, सो यह सेंटेंस रॉन्ग है, फॉल्स है. सो ब्लैंक में राइट करेंगे फॉल्स. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर बी, द पोइट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट. पोइट कहता है, बताता है कि तारे हमेशा रात में चमकते हैं. ठीक है, तो यह सेंटेंस ट्रू है, सही है, क्योंकि तारे हमेशा रात में ही चमकते हैं. ठीक है, सो राइट करेंगे ब्लैंक में ट्रू. सेंटेंस नंबर सी, द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क. पोइट बताता है कि बच्चे को रात में अपने दोस्तों के बारे में सोचना चाहिए. ठीक है, तो यह सेंटेंस करेक्ट है, ट्रू है. सो ब्लैंक में राइट करेंगे ट्रू. ठीक है, अब नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग. ठीक है, इसको देख लेते हैं. मून प्लस लाइट, यहाँ पर टू वर्ड्स को ज्वाइन करके वन न्यू वर्ड बनाना है. ठीक है, सो फर्स्ट है मून प्लस लाइट. ठीक है, मून एंड लाइट को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? मून लाइट. ठीक है, तो ब्लैंक में राइट करेंगे मून लाइट एक साथ. ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेक प्लस फास्ट. ब्रेक और फास्ट को ऐड कर देंगे तो क्या बनता है? ब्रेकफास्ट. ठीक है, ब्रेकफास्ट, राइट. तो ब्रेकफास्ट ब्लैंक में आगे राइट करेंगे एक साथ. नेक्स्ट है गुड प्लस नाइट. ओके, गुड एंड नाइट को ऐड करके क्या बनता है? गुड नाइट. ठीक है, तो ब्लैंक में राइट करेंगे गुड नाइट एक साथ. ओके, डे प्लस ब्रेक. डे ब्रेक, डे और ब्रेक को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा डे ब्रेक. ठीक है, तो ब्लैंक में राइट करेंगे डे ब्रेक एक साथ. ओके, नेक्स्ट है वाटर प्लस फॉल. वाटर फॉल, ठीक है, वाटर एंड फॉल को ऐड कर देंगे तो क्या बनता है? वाटर फॉल. ठीक है, तो राइट करेंगे ब्लैंक में वाटर फॉल एक साथ. ठीक है, नेक्स्ट है रैन प्लस बो. ठीक है, रैन एंड बो को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? रैनबो, राइट. तो ब्लैंक में राइट करेंगे रैनबो. ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एल. ठीक है, फाइंड ए वर्ड इन द पोयम विच इज द अपोजिट ऑफ. ठीक है, तो पोयम से ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो वर्ड्स यहाँ पर गिवन हैं उनके अपोजिट हों. ठीक है, सो फर्स्ट है वॉर, राइट. तो वॉर मीन्स होता है युद्ध. ठीक है, लड़ाइयाँ, राइट. तो वॉर का अपोजिट होगा पीस, पी ई ए सी ई, पीस. ठीक है, पीस वर्ड पोयम में आया हुआ है. ठीक है, तो वार का अपोजिट होता है पीस. पीस मीन्स शांति. ओके, नेक्स्ट है इनेमिज. इनेमिज मीन्स होता है शत्रु या दुश्मन. ठीक है, तो इनेमिज का अपोजिट या उल्टा होता है फ्रेंड्स. ठीक है, यानी कि दोस्त, राइट. तो ब्लैंक में राइट करेंगे फ्रेंड्स. नेक्स्ट है जेंटल. जेंटल, जेंटल मीन्स होता है दयालु. ठीक है, एंड जेंटल का उल्टा अपोजिट होता है हार्स. हार्स मीन्स होता है निर्दयी, जो कि पोयम में आया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट है लाइट.
लाइट का अपोजिट होता है डार्क, ठीक है, डी ए आर के डार्क, जो कि पोयम में आया हुआ है, राइट। लाइट मीन्स उजाला, डार्क मीन्स अंधेरा, नाइट, नाइट मीन्स रात, एंड नाइट का अपोजिट होता है डे, डे मीन्स दिन। स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना, ठीक है, एंड स्टार्ट का अपोजिट जो पोयम में आया हुआ है सीज, ठीक है, सीज मीन्स रुकना या समाप्त होना, ठीक है, तो ब्लैंक में राइट करेंगे सीज, राइट, सी ई ए एस ई, सीज, जो कि पोयम में आया हुआ है, राइट। सो बच्चों, यहाँ चैप्टर पूरा हो गया, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।